पूरी हो गई। ये योजना 2019 में पूरी होनी थी, इसकी रफ्तार धीमी थी, अभी तक काम चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये काम पूरा हो जाएगा उस दिन मुझे चैन की नींद आएगी कि जो मैंने सपना देखा मेरा पूरा हुआ। आमेर के एक एक घर तक पानी की बूंद पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य है और ये मैं करके रहूंगा। बिशनपुर की लाइनें बिखरी थी तो भी लोगों ने कहा कि नहीं जी बोरिंग कराओ। ये पूरण जी रघुनाथ जी मेरे को चैन नहीं लेने देते थे कि नहीं साहब जनता बड़ी त्राई त्राई कर रही है, तो जो हमें एमएलए कोटा मिलता है उसको हम कोशिश करते हैं कि खासतौर पर जो बच्चों के स्कूल में उसमें कमरे बढ़ जाए, कोई अस्पताल में सुविधा हो जाए वह सुविधा कर दें, कोई सब सेंटर है उसमें सुविधा कर दें। लेकिन बोरिंगों में खर्चा भी खूब आता है, तकलीफ भी खूब होती है, और खासतौर पर जो हमारी बच्चियां हैं स्कूल में उनके लिए टॉयलेट नहीं होते थे, तो मैंने मकसद ये बनाया था कि स्कूल में कमरे बनाएंगे टॉयलेट बनाएंगे। फिर जो पैसा मिला उस पैसे में ये लोग मुझे कुर्ता खींचते थे कि नहीं साहब बोरिंग तो देना ही पड़ेगा। अब मुझे भी पता नहीं था कि 26 बोरिंग होंगे 26। अब ये तो सरासर बेईमानी है कि 26 बोरिंग दो आदमी मिलकर ले गए, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मेरे मोहल्ले के लोगों को सुविधा मिल गई, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं राजस्थान का अकेला ऐसा एमएलए हूँ जिसने 125% पैसा जो पैसा हमारे को मिलता है 2% नहीं 125%। मैं अध्यक्ष बन गया इसलिए मेरे पास टाइम कम था तो आपके दर्शन उतने नहीं कर पाया, लेकिन आपका काम मैं बराबर करता था। मेरा सुबह 8 से 11 दफ्तर बराबर चलता है, पहले भी चलता था, आज भी चलता है, आगे भी चलेगा। ये आप लोगों की सहूलियत के लिए चलता है, और यही कारण था कि 13 से 18 में हम सब लोगों ने 1500 करोड़ रूपये के विकास के काम कराए। 350 करोड़ की तो सड़कें ही बनाई थी, और इस पूरे आमेर में सड़कों का जाल पहली बार। यहाँ समस्या इसलिए थी कि पहले के लोगों ने उसका समाधान नहीं किया। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपके आशीर्वाद में इतनी